ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर के वाटर वाले पार्ट का अगला टॉपिक, दैट इज रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में डिफरेंस। अब इसके पहले हमने एनवायरनमेंट एंड हेल्थ में वाटर वाले पार्ट में बहुत सारे टॉपिक कर लिए, जैसे कि सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल और डीप वेल के बीच में डिफरेंस, सैनिटरी वेल क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, अलग अलग तरह से पानी से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, वाटर वॉश डिजीज। उसके बाद हमने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का पूरा क्लासिफिकेशन देखा था कि भाई लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे कौन कौन से करते हैं, कैसे करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। उसके बाद हमने लार्ज स्केल शुरू किया था और उसमें सबसे पहले पढ़ा था स्लो सैंड फिल्टर, फिर हमने पढ़ा था रैपिड सैंड फिल्टर, उसके बाद आता है रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में डिफरेंस। अब ये सारे टॉपिक्स जो हो चुके हैं उसको आपको चेक करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसके अंदर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स इनके वीडियोस और नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। आजकल थ्योरी एग्जाम्स में डिफरेंस करके आते हैं क्वेश्चन, तो डिफरेंस बिटवीन रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर। ठीक, दोनों ही टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उनका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। ठीक, तो भाई साहब पहली चीज, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में सबसे पहला डिफरेंस तो वही है कि भाई रैपिड सैंड फिल्टर को मैकेनिकल फिल्टर बोलते हैं और स्लो सैंड फिल्टर को बायोलॉजिकल फिल्टर बोलते हैं। क्यों? ये हमने देखा हुआ है कि भैया जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें जो वाइटल लेयर बनती है, जो लेयर बनती है ये बायोलॉजिकल चीजों से बनती है, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, प्लैंकटन्स और डायटम्स, जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसमें जो लेयर बनती है वो मैकेनिकली बनती है, एलम फ्लॉक से बनती है। सेकेंड चीज कि रैपिड सैंड फिल्टर में हम बहुत सारे स्टेप्स मैकेनिकली करते हैं, कोएगुलेशन, फ्लॉक्युलेशन, रैपिड मिक्सिंग, ये सब कुछ हम मैकेनिकली करते हैं। तो मैकेनिकल फिल्टर और बायोलॉजिकल फिल्टर, क्योंकि सब कुछ बायोलॉजिकली इसमें पानी फिल्टर होके हमको मिलता है। ठीक, अब आते हैं डिफरेंसेस पे। सबसे पहला चीज है भैया स्पेस, जगह कौन ज्यादा और कौन कम लेता है। तो रैपिड सैंड फिल्टर कम जगह लेता है, जबकि जो स्लो सैंड फिल्टर है ये बहुत सारी जगह लेगा। क्यों? क्योंकि उसका सेकंड पॉइंट देखो, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। रैपिड का मतलब बट ऑब्वियस सी बात है तेज होगा फिल्ट्रेशन रेट, 5 मीटर क्यूब पर आर पर स्क्वायर मीटर, जबकि जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका रेट देखो, फिल्ट्रेशन का पानी को फिल्टर होने का रेट कितना कम है, 0.1 to 0.4 मीटर क्यूब पर आर पर स्क्वायर मीटर। तो सीधा सा फंडा है, क्योंकि इसको कम रेट रहता है स्लो सैंड फिल्टर का, पानी का फिल्टर होने का रेट कम होता है, इसलिए अब हमको ज्यादा से ज्यादा पानी को फिल्टर कराना है तो हम क्या करेंगे, बड़े बड़े स्लो सैंड फिल्टर बनाएंगे, यानी कि लार्ज एरियाज में। उसके एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, देखो ये है आपका पूरा का पूरा सैंड बेड रैपिड सैंड फिल्टर का, देखो कितना छोटा सा है ना, आजू बाजू में इतने सारे छोटे छोटे से बना दिया आपने, जबकि वहीं आप स्लो सैंड फिल्टर को देखो कितने बड़े 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 बड़े, एक एक जो सैंड बेड है कितना बड़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, आपको पानी ज्यादा से ज्यादा छन के चाहिए अगर स्लो सैंड फिल्टर में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए रहेगा जिससे पानी फिल्टर हो सके, इसलिए ये सैंड बेड का एरिया देखो कितना बड़ा है, जबकि ये देखो रैपिड सैंड फिल्टर में सैंड बेड का एरिया कितना छोटा है। तो कम जगह में रैपिड सैंड फिल्टर बन जाते हैं और ज्यादा जगह में स्लो सैंड फिल्टर बनते हैं। दोनों फोटो से क्लियर हो गया? ठीक, और इसीलिए अगर आपको पता हो कि भाई आजकल की डेट में स्लो सैंड फिल्टर आपको नहीं मिलेंगे, जहां भी मिलेंगे आपको ज्यादातर रैपिड सैंड फिल्टर ही मिलेंगे, समझे, क्योंकि कम जगह में बन जाता है, बहुत तेजी से पानी को आपको फिल्टर करके दे देता है, तो रैपिड सैंड फिल्टर आपको, इनफैक्ट आपको अगर आपके शहर में हो गई होगा आपके शहर में तो जो पीएसएम के तहत आपको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ले जाते हैं वहां पे ना रैपिड सैंड फिल्टर ही होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर नहीं होते हैं। ठीक, तो वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले एग्जाम में पूछ लिया क्यों भैया वाटर फिल्ट्रेशन की विजिट गए थे, तो आप बोलोगे जी सर गए थे,
बोलेंगे अच्छा तो स्लो सैंड फिल्टर देखा था, आप बोलोगे हाँ सर देखा था, और उत्ते में वो आपको फेल कर देगा, तो आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है नहीं सर वहां पर रैपिड सैंड फिल्टर था, स्लो सैंड फिल्टर नहीं था। उसके बाद वो समझ जाएगा भाई साहब ये पढ़ा लिखा है, तो फिर आगे डिफरेंसेस पूछेगा रैपिड सैंड और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में, समझ गए? तो ये दो तो आपको याद रखने हैं कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और स्पेस। अब ना जो सैंड बेड होता है ना उसमें जो सैंड होती है, दोनों में ही सैंड बेड होता है याद रखना। ये देखो यहाँ भी आपको अगर आप देखोगे तो रैपिड सैंड फिल्टर में भी ये पूरा का पूरा सैंड बेड है और स्लो सैंड फिल्टर में भी पूरा का पूरा सैंड बेड है। तो ये जो रेत है दोनों में, सैंड बेड में जो रेत है इसका साइज भी दोनों का अलग अलग होता है, ठीक? तो साइज ऑफ द सैंड अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो 0.4 से 0.7 mm की होती है, जबकि जो रेत होती है, रेत के कण होते हैं स्लो सैंड फिल्टर में, वो और भी बारीक होते हैं, 0.2 to 0.3 mm होते हैं, और भी बारीक, समझ गए? तो इसको याद रखना क्योंकि ये भी आपको एमसीक्यू में आता है। अब भाई याद कैसे करेंगे? ठीक, दोनों ही को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, आप एक चीज याद कर लो। जैसे कि आपने याद कर लिया कि भैया जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका फिल्ट्रेशन रेट होता है 0.1 to 0.4, ठीक है? तो 0.1 to 0.4 यानी कि 1-4 के बीच में कौन से दो डिजिट आएंगे, 2 और 3, तो 0.2 to 0.3 आपका हो जाएगा सैंड का पार्टिकल, समझ गए? तो बहुत सिंपल है, आपने याद कर लिया कि भैया सैंड बेड स्लो सैंड फिल्टर का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो है 0.1 to 0.4, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 0.2 to 0.3। अब हाँ यूनिट चेंज हो जाएगी, इसमें mm हो जाएगी और वहां पे तो मीटर क्यूब पर आवर पर स्क्वायर मीटर है, ठीक? तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई साइज ऑफ द सैंड। वैसे ही अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी बीच वाली वैल्यू है, अगर साइज ऑफ द सैंड आपको यहाँ याद है 0.4 to 0.1, तो इसके बीच में 5 आता है, तो 5 इसकी हो जाएगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, समझ गए? और दूसरी तरीके से भी एक और तरीका है कि भाई जो सैंड का साइज होता है, दोनों में उल्टा हो जाएगा, देखो सैंड का जो साइज है वो लगभग आधा हो जाता है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर का सैंड का जो पार्टिकल्स का साइज होता है लगभग आधा हो जाता है। देखो 0.4 to 0.7 है तो लगभग आधा ही हो जाएगा, 0.2 to 0.3 mm, ठीक है? बहुत बारीक सैंड चाहिए हमको बायोलॉजिकल फिल्टर के लिए, क्योंकि जितना भी है सब वहीं से है भाई साहब, वाइटल लेयर सैंड ग्रेन्यूल्स इसी से फिल्ट्रेशन होता है, वहां तो हमारे पास एलम फ्लॉक वगैरह बहुत कुछ है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए याद रखना, ठीक? उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम फिल्टर बेड में पानी को डालने से पहले क्या किया जाता है, तो जो सैंड बेड या फिल्टर बेड होता है उसके पहले रैपिड सैंड फिल्टर में हम केमिकल कोएगुलेशन करते हैं, याद है हम एलम फ्लॉक डालते थे, फिर रैपिड मिक्सिंग करते थे, फिर कोएगुलेशन करते थे, फ्लॉक्युलेशन करते थे, तो भैया केमिकल कोएगुलेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन तो करते हैं कि भाई स्टोर करके रखा, और केमिकल कोएगुलेशन, जबकि स्लो सैंड फिल्टर में सिर्फ प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, यानी कि बस स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद सीधा सीधा फिल्टर बेड में डाल देते हैं। इसको देखने के लिए याद करो, हमने रैपिड सैंड फिल्टर में पढ़ा था, यह है हमारा सैंड बेड। सैंड बेड के पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने उसको कोएगुलेशन किया था कि भाई रॉ वाटर एलम मिलाया था, फिर मिक्सिंग की थी, फिर फ्लॉक्यूलेशन किया था, फिर सेडिमेंटेशन किया था, उसके बाद फिल्टर बेड में डाला था। तो हमारे पास कोएगुलेशन और सेडिमेंटेशन दोनों था रैपिड सैंड फिल्टर में, जबकि जो स्लो सैंड फिल्टर था इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो रिजर्व आया था वहां पे हमने स्टोर करके रखा था, यानी कि सेडिमेंटेशन करके रखा था, और उसके बाद सीधा सीधा हमने स्लो सैंड फिल्टर में डाल दिया था, जहां पे हमने कॉन्टेक्ट पीरियड करीब 1 घंटे का दिया था, वो भी एज अ सेडिमेंटेशन या स्टोरेज के तौर पर था, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो समझ गए, रैपिड सैंड फिल्टर में सैंड बेड में डालने से पहले प्री ट्रीटमेंट के तहत हम कोएगुलेशन भी करते हैं और सेडिमेंटेशन भी, जबकि स्लो सैंड फिल्टर में सिर्फ हम सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक? तो ये भी बहुत अच्छा डिफरेंस है स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है वॉशिंग। भाई पानी को फिल्टर को साफ कैसे करते हैं, फिल्टर को साफ करने के लिए ना रैपिड सैंड फिल्टर में याद है हमने कहा था बैक वॉशिंग करते हैं, जो नीचे परफोरेटेड पाइप्स होते हैं यहां से हम पानी को छोड़ते हैं, पानी या हवा छोड़ते हैं, जिससे कि ये जो
यहाँ पे जम गई है, जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन पूरी की पूरी जम गई है, बंद हो गई है, वो पूरी तरह से खुल जाए, दैट इज बैक वॉशिंग या एयर या वाटर से हम यूज करते थे। जबकि जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर था उसमें हम स्क्रेपिंग करते थे, बताया था ना हमने कि भाई ये पानी को निकाल देते थे, फिर नीचे उतरता था ये आदमी, उसके बाद खरोच खरोच के ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को निकाल देता था, फिर बाद में पानी भरते थे, फिर वाइटल लेयर बनाते थे, फिर पानी इस्तेमाल करते थे। तो वॉशिंग के लिए आपके पास रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग होती है, जबकि स्लो सैंड फिल्टर में खरोच खरोच के निकालते हैं, यानी कि स्क्रेपिंग। ठीक है, अब भाई बैक वॉशिंग करनी है तो बट ऑब्वियसली जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसमें हाईली स्किल्ड वर्कर्स आपको लगेंगे, कि भैया आपको पता होना चाहिए कितने फोर्स से नीचे से पानी छोड़ना है या हवा छोड़नी है, कितनी देर तक आपको वो पानी को नीचे से फेंकना है जिससे कि साफ हो जाए, हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। जबकि स्लो सैंड फिल्टर में करना क्या है, उतरना है नीचे, खरोच खरोच के अलग कर देनी है मेम्ब्रेन, तो कम स्किल्ड वर्कर में भी काम चल जाएगा। मगर एक और चीज याद रखना, जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है ना, क्योंकि उसका एरिया एरिया छोटा है, तो जल्दी जल्दी बार 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 उसको फ्रीक्वेंट वॉशिंग की जरूरत पड़ेगी, जबकि जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर है बहुत बड़े एरिया में बना रहता है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंट वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। और रैपिड सैंड फिल्टर में देखो एलम फ्लॉक वगैरह जमता जाएगा जमता जाएगा जमता जाएगा, तो इसीलिए इसको फ्रीक्वेंट जल्दी जल्दी बार बार सफाई की जरूरत पड़ेगी, जबकि स्लो सैंड फिल्टर को बार बार बहुत जल्दी बार बार सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है लेकिन बहुत जल्दी नहीं। वैसे ही हमने लॉस ऑफ हेड पढ़ा था, याद है कि जब पूरी की पूरी मेम्ब्रेन क्लॉग हो जाती है, जम जाती है, तो पानी फिर ऊपर भरने लगता है और फिर उसको बंद करना पड़ता है फिल्टर को, कि भैया लॉस ऑफ हेड इतना हो चुका है, आप पहले क्लीनिंग करो उसके बाद फिर से इस्तेमाल करना। तो लॉस ऑफ हेड कितना रैपिड सैंड फिल्टर में, करीब 6 से 8 फीट तक अलाउड होता है, उसके बाद आपको सफाई करनी पड़ेगी, जबकि रैपिड स्लो सैंड फिल्टर में करीब 4 फीट के बाद ही आपको सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़े एरिया में फैला है, तो बहुत 4 फीट भी होगा तो बहुत ज्यादा माना जाएगा कि क्लॉग हो गया है, इसलिए 4 फीट की लॉस ऑफ हेड हो जाए तो स्लो सैंड फिल्टर में सफाई कर दो, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में 6 से 8 फीट का हो जाए तब आपको सफाई करनी है। उसके बाद रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, कि भैया बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी कैसी होती है, कि कितने प्रतिशत तक बैक्टीरिया हटा सकता है स्लो या रैपिड सैंड, तो इसमें ना स्लो सैंड फिल्टर बहुत अच्छा होता है, 99.99% तक रिमूव कर सकता है स्लो सैंड फिल्टर, जबकि हाँ रैपिड सैंड फिल्टर भी अच्छा होता है लेकिन करीब 98 to 99% तक करता है, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है इस मामले में स्लो सैंड फिल्टर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर सिटीज के हिसाब से कहाँ, तो बड़े बड़े शहर जो होते हैं ना वहां पे रैपिड सैंड फिल्टर मिलेगा आपको, कि भाई आप अपने यहाँ जो आपको फील्ड विजिट पे ले जाया जाता है पीएसएम में, वहां पे रैपिड सैंड फिल्टर में ही, तो बड़ी सिटीज में रैपिड सैंड फिल्टर मिलेगा, जबकि स्मॉल सिटीज छोटे कस्बों में आपको स्लो सैंड फिल्टर मिल सकता है ज्यादातर आजकल, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर ही मिलता है। अगर हम बात करें कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रैपिड सैंड फिल्टर महंगा बनता है भाई, आपको पता है कि अलग अलग चेम्बर है इसमें, हमको पहले तो हमको कोएगुलेशन चेम्बर चाहिए, फिर मिक्सिंग चेम्बर चाहिए, फिर फ्लॉकुलेशन चेम्बर चाहिए, उसके बाद हमको सेडिमेंटेशन चेम्बर चाहिए, फिर सैंड बेड चाहिए। जबकि जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर होता है ना बहुत सिंपल होता है बनाना, चीप सस्ता होता है, क्योंकि हमको बस सैंड बेड बनाना है, उसमें पानी डाल देना, हो गया काम। जबकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, देखो ये जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर है, 1 2 3 4 5 चेम्बर बनाने हैं और फिर पांचवें नंबर पे आपका सैंड बेड आएगा, जबकि यहाँ पे बस एक तो सैंड बेड बना दो हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर को बनाना काफी महंगा पड़ता है। और याद है हमने पढ़ा भी था कि भैया जो फ्लॉक्यूलेशन वाला चेम्बर होता है उसमें बड़ी सी मशीन रहती है जो ऐसी 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 घूमती रहती है, तो वो सब काफी महंगा होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के मामले में रैपिड सैंड फिल्टर महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। उसके बाद एक और बहुत मेजर डिफरेंस है, दैट इज जो लेयर बनती है, ये देखो स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर, ये रैपिड सैंड फिल्टर में दिख रही है सैंड बेड पे लेयर बनी हुई है, स्लो सैंड फिल्टर पे भी सैंड बेड पे लेयर बनी हुई है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है जो हम पढ़ चुके हैं। जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो एल्गे बैक्टीरिया प्लैंकटन्स और डायटम से बनती है उसकी लेयर, जिसको कि हम वाइटल लेयर कहते हैं, जूगलियर लेयर कहते हैं, स्मुट्स के लेयर कहते हैं, जबकि जो हमारी
रैपिड सैंड फिल्टर में लेयर बनती है वो एल्यूमिनियम फ्लॉक या एलम फ्लॉक या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनती है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस था। याद है हमने ये कैसे पढ़ा था कि वाइटल लेयर किससे बनती है, इसको कैसे याद करोगे? ऑल बैकअप प्लांट्स डाई, ऐसे पढ़ा था। ऑल से एल्गे हो गया, बैकअप से बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स से प्लैंकटन्स हो गया, डाई से डायटम्स हो गया। ठीक, ये सब कुछ हमने स्लो साइन फिल्टर में पढ़ा हुआ है। आप चाहो तो वहां जाके इसको चेक कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो रैपिड साइन फिल्टर और स्लो साइन फिल्टर के बीच में डिफरेंस। 10 डिफरेंस है, 10 डिफरेंस को याद कर सकते हो फोटोज से भी और पॉइंट से भी। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब स्टार क्वेश्चन है, आपको थ्योरी एग्जाम में आना ही आना है कहीं ना कहीं कि भाई रैपिड और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में डिफरेंस बताओ। कहीं ना कहीं तो आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आपको थ्योरी में सेशनल में आएगा, या तो पीयू में आएगा, या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, लेकिन आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा में भाई हर पॉइंट पे इस पे वाइवा पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। वाइवा में सबसे पहला सवाल क्या होता है भाई, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की विजिट गए थे, कौन सी थी, रैपिड सैंड की स्लो सैंड? तो रैपिड सैंड। उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर को क्या बोलते हैं और स्लो सैंड फिल्टर को क्या कहते हैं? तो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। क्यों बोलते हैं ये भी हमने समझ चुका है, तो ये भी आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कौन सा कम जगह लेगा, तो बट ऑब्वियसली रैपिड सैंड फिल्टर कम जगह लेगा। उसके बाद रेट और सैंड पार्टिकल्स पे भी आपको वाइवा पूछ लिया जाता है। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भाई रैपिड, क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर आप विजिट पे जाते हो, तो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन फिल्टर का फिल्ट्रेशन रेट बता दो, तो ये बताते आना चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का कि रैपिड सैंड फिल्टर को और स्लो सैंड फिल्टर को वॉश कैसे करेंगे, तो भाई रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग और स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैपिंग, और ये समझाते आना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लेयर्स, जो इसमें लेयर्स बनती हैं वो काहे की बनती हैं, तो जो वाइटल लेयर स्लो सैंड फिल्टर में बनती है वो एल्गे बैक्टीरिया प्लैंकटन्स और डायटम्स, जबकि जो रैपिड सैंड फिल्टर में बनती है वो एलम फ्लॉक की। ठीक, तो ये हो गया आपका। सिटीज पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई जिस शहर में तुम रहते हो वहां पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो कौन सा है, रैपिड सैंड फिल्टर है कि स्लो सैंड, तो बट ऑब्वियसली ज्यादातर जगह आपको रैपिड सैंड फिल्टर ही मिलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गए आपके वाइवा के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको हमारे नोट्स में, हमारे स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो यही मेरे को मिला था कि भैया बायोलॉजिकल फिल्टर को, स्लो सैंड फिल्टर का दूसरा नाम क्या होता है, तो बायोलॉजिकल फिल्टर। एक एमसीक्यू मेरे को मिला था कि भाई जो स्पेस है वो स्पेस किसकी ज्यादा या किसकी कम होती है, तो स्लो सैंड फिल्टर की स्पेस ज्यादा होती है और रैपिड सैंड फिल्टर की कम होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे बहुत बार सवाल पूछा गया है स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे, तो ये याद रखना। उसके अलावा सैंड साइज के पार्टिकल्स, ये कई बार आप लोग ना छोड़ देते हो, अरे यार ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो सैंड पार्टिकल्स का साइज एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है। वॉशिंग भाई स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर की कैसे करोगे, ये एमसीक्यू में पूछा गया है। प्लस एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि किसमें आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और किसमें नहीं, प्लस किसमें फ्रीक्वेंट वॉशिंग की जरूरत होती है और किसमें नहीं, ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी की, कौन सा ज्यादा शुद्ध पानी देता है, तो स्लो सैंड फिल्टर ज्यादा शुद्ध पानी देता है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। कौन सा ज्यादा महंगा होता है, इस पे भी एमसीक्यू आता है, तो रैपिड सैंड फिल्टर ज्यादा महंगा होता है, तो सीधी सी बात है स्लो सैंड फिल्टर सस्ता होगा। एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया स्लो सैंड फिल्टर पे जो वाइटल लेयर बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो एल्गे बैक्टीरिया प्लैंकटन्स और डायटम्स। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के डिफरेंसेस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।